हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल एंड नेटेलर इंडिया सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, एक ऐसे टॉपिक पे अगर आप लोगों को अभी मैं चैलेंज करूँ जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ, कि जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इसी सेम टॉपिक को, आई थिंक कि मुश्किल से एक या दो वीडियो मिलेगी। जी हाँ गाइज, और वो भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जिन्होंने भी वो वीडियो बनाई है पूरे डेडिकेशन के साथ बनाई है, बट फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हर इंसान से छूट जाती है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है इसमें मैं मंगोलिया जो कंट्री है उसकी वीज़ा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आप लोगों की हेल्प करूँगा मंगोलिया की वीज़ा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, और ईजिली मंगोलिया का वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है विदाउट किसी एजेंट के पास जाए हुए। तो मैं बता देता हूँ, मंगोलिया एक काफ़ी पॉपुलर कंट्री है। चंगेज खान एक उसका अपना वक्त था, एक ग्रेट जो बोल सकते हैं उसको ग्रेट किंग था, वैसे मंगोलिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे तो उसने काफ़ी लोगों को मारा है ऐसा मैंने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है। तो गाइस, चंगेज खान जो है मंगोलिया का ही था, वहीं पे वो पैदा हुआ था, वहीं पे वो बड़ा हुआ, और उसने अपना एम्पायर जो है काफ़ी बढ़ा लिया था, तो उसी वजह से मंगोलिया जो कंट्री है फेमस है। तो बात करता हूँ मंगोलिया के वीज़ा की। गाइस, मंगोलिया की कंट्री जो है उसका जो वीज़ा है काफ़ी ईजी प्रोसेस है। अगर आप इन मेरे बताए हुए कुछ पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते हैं तो ईजिली आप एक दिन में अपना मंगोलिया का वीज़ा पा सकते हैं, और अदरवाइज नहीं तो आपको 4 से 5 दिन लग सकता है, बट 99% आपका वीज़ा जो है आपको मिल जाएगा, आप लोग मंगोलिया जा सकते हैं। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, वीज़ा सीरीज चल रही है अभी, इससे पहले फिजी की, कतर की, और उसके अलावा मैं सिंगापुर की काफ़ी सा और वियतनाम की, 4 कंट्रीज़ की मैं वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखा है आप लोगों ने तो यहाँ पे मेरे चैनल में जा करके आप लोग देख सकते हो, या फिर आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो। मैं बात करता हूँ यहाँ पे मंगोलिया की। आपको पता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको होती है पासपोर्ट की। चाहे आप कहीं भी जाओ, पासपोर्ट जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप लोग वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो, अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो गाइज, पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है एटलीस्ट कम से कम 6 महीने की बची हुई होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में आप लोग एक्स वाई जेड कहीं भी आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ जो है बची हुई होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 साल की। पासपोर्ट जब बनता है तो 10 साल की वैलिडिटी होती है, तो 1 साल की वैलिडिटी आप लोग मान के चलो कि बची हुई होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे रिटर्न फ्लाइट टिकट। वैसे मंगोलिया जाने के लिए आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट भी ना हो तो चलेगा, किस शर्त में वो भी बता देता हूँ। तो गाइज़, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास फ़्लाइट टिकट अगर है तो ही आप लोग जा सकते हो। गाइज, फ़्लाइट टिकट से जाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। जी हाँ गाइज, अगर आप लोग फ़्लाइट से जाते हो, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग लैंड क्रॉस कर सकते हो, वाया चाइना जा सकते हो, वाया रशिया जा सकते हो। तो ऐसे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लेटर जो है वो लिख करके मेंशन करके देना होगा अपने पास, एक बार पूरा सब कुछ आपको जो PDF फॉर्मेट में लिख लेना, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और नीचे अपना सिग्नेचर कर लेना, अगर आप लोग लैंड क्रॉस करते हो तो। उसके लिए मगर आपके पास चाइना या रशिया का वीज़ा होना चाहिए। तो खैर, उसके अलावा जो तीसरा अहम डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट, पिछले 3 महीने का, 6 महीने का है तो और अच्छी बात है, और उसमें कम से कम अगर 50,000 रुपये बैलेंस भी है तो वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आता है चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग अभी कुछ कमाते नहीं हो, आपको पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके फादर, आपकी मदर या आपका ब्रदर आपको भेज रहा है, आपके कोई गार्जियन आपको भेज रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो एक उनका स्पॉन्सर लेटर चाहिए आपको, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपकी फैमिली मेम्बर, वो पूरी डिटेल लिखेगा आपकी अपनी, और वो आपको पे कर रहा है, आपकी ट्रैवलिंग का पूरा जो एक्सपेंस है वो उठा रहा है, ऐसा उनको लिख करके अपना सिग्नेचर करना होगा। और एक आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कवरिंग लेटर जो है गाइज, आप लोग किसी भी कंट्री में जाओ, ज़्यादातर कंट्री वाले जो है कवरिंग लेटर मांगते हैं। अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो बिजनेस वीज़ा का मुझे पता नहीं है, और कोई पूछना भी मत मेरे से बिजनेस वीज़ा का या वर्क परमिट का। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, और गाइज मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने जाता हूँ, घूम करके मुझे वापस आना होता है इंडिया, मुझे काम वगैरह का पता नहीं है, वर्क परमिट का क्या क्या रूल है, कैसे मिलेगा, उन सब चीज़ों का मेरे से मत पूछना आप लोग। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कवरिंग लेटर जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, जहाँ का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ मंगोलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वहाँ की एम्बेसी के नाम से वीज़ा ऑफिसर को वो लेटर लिखना है, उसमें आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी ट्रैवलिंग डेट, अपनी वापस आने की डेट, ये सब उसमें मेंशन करना है। जाने का रीज़न भी आपको बताना है कि आप लोग क्यों जा रहे हो,
मंगोलिया आप क्यों जा रहे हो, यूएस आप क्यों जा रहे हो, या कोई भी कंट्री एक्स वाई जेड आप लोग जहाँ जा रहे हो, आपको मेंशन करना है कि आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का। और उसके अलावा यहाँ पे बता देता हूँ बैंक सर्टिफिकेट। मंगोलिया का वीज़ा वैसे तो फ्री है, 4 से 5 दिन में आ जाता है, बट उसकी भी एक कंडीशन है और मुझे नहीं लगता है कि ये कंडीशन आप लोगों की पूरी हो पाएगी। जब मेरी भी पूरी नहीं हो सकती है तो आप लोगों की भी होना मुश्किल है, बट यू कैन ट्राई, अगर होती है तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। बैंक सर्टिफिकेट क्या है मैं बता देता हूँ। आपका बैंक वाला अगर लिख करके देता है कि ये बंदा, इस बंदे का बैंक अकाउंट हमारे पास है और ये, इसको हम लोग पर्सनली जानते हैं और आप इसे मंगोलिया जाने का वीज़ा दे दो, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बैंक का मैनेजर ये चीज़ जो है लेटर पैड पे लिख करके, बैंक की जो मोहर है वो लगा करके, स्टाम्प लगा के, अपना सिग्नेचर करके आपको देगा। अगर वो ऐसा दे देता है तो आपको मंगोलिया की जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, एक पैसा नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन जो है लगेगा। उसके अलावा आप लोग एक काम और कर सकते हो अगर ऐसा नहीं होता है तो। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग जो एक्सप्रेस वीज़ा ले सकते हो, 1925 रुपए मात्र जो है वीज़ा की फ़ीस है, 1925 रुपए आपके लगेंगे, आप लोग 1 या 2 या 3 घंटे में अपना वीज़ा लेकर के हैंड टू हैंड आ सकते हो। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा, अगर वैसे मैनेजर लिख के दे देता है तो 3 से 4 दिन लगेगा, बट उसमें शर्त ये है कि अगर बैंक वाला लिख करके देता है तो ही वो आपका जो है वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपको 1925 रुपए पे करने होंगे। तो आई थिंक आप लोग जब मंगोलिया जा रहे हो तो 1925 रुपए पे करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को भी इजी रहेगा, 3 से 4 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपना वीज़ा लगवा के तुरंत ला सकते हो। अब एक और कमाल की बात बता देता हूँ, मंगोलिया का वीज़ा जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग दिल्ली से नहीं हो, आप लोग किसी और जगह से वीडियो देख रहे हो, किसी अदर स्टेट से, दिल्ली में आपका कोई रिलेटिव रहता है, कोई फ्रेंड रहता है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो मैंने आपको बताए हैं, पासपोर्ट की आपको कॉपी फ्रंट पेज की और बैक पेज की, रिटर्न फ्लाइट टिकट, या फिर मैंने आपको बताया ट्रेन टिकट भी आप लोग दिखा सकते हो अगर वाया चाइना या रशिया जा रहे हो, या आपको लैंड क्रॉस करना है तो वो भी आप लोग बता सकते हो, वो एक्सप्लेनेशन लेटर पे आपको लिखना है, बैंक का जो स्टेटमेंट है वो आपको देना है, और स्पॉन्सरशिप का जो लेटर है अगर पेरेंट्स आपके पे कर रहे हैं तो, कवरिंग लेटर हो गया, कवरिंग लेटर मैंने बता दिया है, और बैंक सर्टिफिकेट। कवरिंग लेटर अगर आप लोगों को बनाने ना आए किसी भी कंट्री का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसकी मामूली सी छोटी सी फीस होगी और मैं एक कवरिंग लेटर आपको बना के दे दूंगा। फ्यूचर में कहीं भी आप लोग जाना चाहो तो फिर उसको आप लोग एडिट करके अपने अकॉर्डिंग कुछ बातें उसमें चेंज करके आप लोग ईजिली कवरिंग लेटर बना सकते हो। और उसके अलावा बैंक का जो मैंने बता दिया, बैंक सर्टिफिकेट अगर बैंक मैनेजर देता है तो, अदरवाइज 1925 रुपए आप लोगों को देना है। कोई भी फ्रेंड आपका लेकर के जाके एम्बेसी में जमा करवा सकता है, और अगर 1925 वहाँ पे करता है तुरंत वीज़ा लगवा के ले आएगा, अदरवाइज 3 से 4 दिन लगेगा। कोई इसमें लेटर ऑफ अथॉरिटी कुछ नहीं चाहिए, कोई भी फ्रेंड आपका लेकर के जा सकता है एम्बेसी में। बट गाइज मैं आपको बता देता हूँ, पूरे इंडिया में इसकी जो एम्बेसी है सिर्फ दिल्ली में है, तो आप लोगों को दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा, आप जाओ या फिर आपका कोई फ्रेंड जाए, ये आपको एक यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है मंगोलिया वीज़ा के लिए। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। बात करते हैं हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, इमिग्रेशन क्लियर की। गाइस इमिग्रेशन में जैसे आप लोग इंडिया से चले गए, आपके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, बट आप लोग जिस कंट्री में भी अराइव हो रहे हो, पहुँच रहे हो, वहाँ पर इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कि आप उनकी कंट्री में क्यों आ रहे हो, वहाँ पे सॉलिड रीज़न आपको देना पड़ता है। जी हाँ गाइस, सॉलिड रीज़न आप उनको बताओगे, उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। आप लोग अगर इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों के फिर जो वीज़ा तो आपके पास ऑलरेडी है, वीज़ा मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग उस कंट्री में अभी एंट्री कर गए हो, वो सिर्फ यही, वो वीज़ा मिलना का मतलब यही है कि आप लोग उस कंट्री में जाने के लिए एप्लीकेबल हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वापस नहीं भेजा जा सकता। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, रिटर्न टिकट है, पैसे भी हैं, जो फंड चाहिए वहाँ पे कंट्री में जब तक घूमेंगे रहने के लिए पैसे भी हैं, उसके बावजूद उन्हें वापस भेज दिया जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि वो इमिग्रेशन वाले जब क्वेश्चन करते हैं तो शायद वो घबरा जाते हैं या फिर वो ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से उन्हें रिटर्न भेज दिया जाता है। आई होप कि ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा, आप लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर के जाना और बिल्कुल भी वहाँ पे टेंशन में मत रहना, एकदम जैसे अपन बात करते हैं उसी तरह वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट उन्हें जवाब देना, तो इजीली आप दुनिया की किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो, चाहे सेनेगन वीज़ा हो, चाहे यूके का वीज़ा हो, चाहे कनाडा का वीज़ा हो, चाहे यूएस का वीज़ा हो। तो अगर आप लोगों पूरे अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप लोग इजीली कहीं भी जा सकते हो। तो गाइज मैंने बता दिया मंगोलिया वीज़ा का, आप लोगों को 1925 रुपये इसकी फ़ीस है, किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, और
मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है बता दिया है। मंगोलिया वीज़ा का एक फॉर्म रहता है जो कि आपको फिल करना होता है, अपने नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ सब कैपिटल लेटर में लिखना है। वो आप लोग मंगोलिया की जो एम्बेसी है दिल्ली में उसकी वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, या गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग लिंक पे विजिट करके वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल फिल कर सकते हो और मंगोलिया इजीली जा सकते हो। बात करता हूँ मंगोलिया की करेंसी की, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस की, फूड की, तो इंडिया का जो वहाँ इंडिया का एक रुपया वहाँ पे सर 38 रुपीज़ है, तो काफ़ी जो है आप अगर करेंसी से कंपेयर करते हो तो वहाँ की करेंसी काफ़ी गिरी हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ़ी गरीब कंट्री है, पैसा जिस कंट्री का कम होता है वहाँ उतनी ज़्यादा महंगाई होती है। चाहे आप लोग कंपेयर कर लो इंडोनेशिया को या नेपाल को, ताइवान को, वियतनाम को, किसी भी कंट्री को, वो सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबकी करेंसी अगर इंडिया से कंपेयर करते हो तो नीचे है, भारत का एक रुपया वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बट उससे ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे आप लोग उस पैसे से ढेर सारी चीज़ें खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। जितना पैसा इंडिया में लगता है उससे ज़्यादा ही लगेगा वहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया फ़्लाइट टिकट जो थोड़ी महंगी आती है और वीज़ा की जो फ़ीस है 1925 रुपये है, सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं और फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना, उसको फिल कर लेना और सारे डॉक्यूमेंट एक साथ एक फ़ाइल में लेकर के एम्बेसी में सबमिट करवा देना। और अगर बैंक वाले आपको बैंक सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वीज़ा फ्री मिल जाएगा, अदरवाइज़ 1925 रुपये पे करने होंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, हैव ए ग्रेट डे।